की, आपका क्या कहना है? आप सभी लोग कभी यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे और मैंने कहा आपसे कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई है, और अगर वो गाली का इल्ज़ाम मेरे पे लगाते हैं डिप्टी सीईओ साहब, और मैं गीता उठा के कह दूंगा कि मैंने कोई भी गाली नहीं दी। सर हुआ क्या था वो मैंने आपको डिटेल कह दिया। उन्होंने जो है जब यहाँ बैठे हुए थे मैंने कहा उनको कि आपने मेरे तहसीलदार साहब जो हैं EERO हैं, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि टीचर को आप वहाँ रिटेन करिए। मैंने उनसे कहा कि आप ऑर्डर जो आपने इशू किया उसको रिवोक करिए, और ऑर्डर में उन्होंने खुद ही का लिखा है कि DC ने टेलीफोनिक डायरेक्शन दी हैं। ऐसी कभी मैंने उनको टेलीफोनिक डायरेक्शन टीचर के लिए नहीं दी हैं कि आप उसको वहाँ से शिफ्ट कर दो। हमारे को 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो हमने टास्क कंप्लीट करना है। तो मैंने जब कहा उनसे तो वो बदकलामी पे उतर आए, वो लगे कहने कि नहीं जी मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं ठीक, आप नहीं करेंगे तो फिर मैं कर देता हूँ। मैंने CPO साहब को यहाँ से फ़ोन किया, तो जब मैं फ़ोन करने वाला था तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। यहाँ एक्शन साहब बैठे हुए थे PWD के, यहाँ और पब्लिक बैठी थी, दो सरपंच साहिबान बैठे हुए थे, तो वो लगे उठ के बदतमीजी स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा मैं चलिए बाहर आ, बस ये DC साहब कहा जा रहा है कि आप डिटेचमेंट्स करने वाले थे टीचर्स की, ये भी एक रीज़न है आज के प्रोटेस्ट के लिए, क्या अब आप वो डिटेचमेंट्स करेंगे? 100% करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे को स्कूल्स में ज़रूरत है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमारे को लेने हैं वो हो के रहेंगे। और जिस तरह मेरे ख्याल में मैं आपके माध्यम से टीचर्स से एक मुद्दमाना गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने अपने स्कूल्स में जाके वो बच्चों को तन मन धन से पढ़ाएं, वहाँ जाके स्कूल्स के अंदर, और सियासत से दूर रहें। ये मैंने फैक्ट है, जिस तरह आप मेरे को कह रहे थे कि हमारे पीछे नंबरदार चौकीदार जो चेकिंग को लगा दिए, मैंने नंबरदार चौकीदार जिनके स्कूल्स में नहीं जाते हैं, नंबरदार चौकीदार मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने एक तमाम ज़िले के नंबरदार चौकीदार के साथ मीटिंग की और मैंने उनको कुछ ड्यूटियाँ जो हैं जो उनके बेसिक काम है उसके अलावा भी मैंने उनको इस तरह करके, दूर दराज इलाका जाते हैं हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं आती है दफ्तरों की, सिर्फ एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे स्कूल्स हैं वही नहीं, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे दफातर हैं उनकी, वो मैं अटेंडेंस जो है नंबरदार चौकीदार मेरे को दिया करते हैं आजकल।